साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये सामने खड़े हैं, ये देवेंद्र कुमार दवे है और इनकी धर्मपत्नी कंचन है। ये बाड़मेर के शिवनगर के निवासी है, सदर थाना के पीछे। इन पति पत्नी ने करीबन पुलिस कप्तान बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा को 4 से 5 बार ज्ञापन दिया है। इनके साथ मारपीट का, इनकी धर्मपत्नी के साथ मारपीट का, इनके पड़ोसी है उन पर इन्होंने आरोप लगाया है मारपीट का। 3-4 बार इन्होंने ज्ञापन भी दिया है एसपी साहब को, मगर इन्होंने आज और ज्ञापन दिया है एसपी साहब को। इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इनके साथ लगातार मारपीट हो रही है। तो अपन देवेंद्र कुमार से भी बात करेंगे और इनकी धर्मपत्नी कंचन दवे है साथ में, उनसे भी बात करेंगे पूरा मामला क्या है, मारपीट इनके साथ कौन कर रहा है, आखिर क्यों कर रहा है और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इन्होंने किस थाने में इन्होंने मामला दर्ज करवाने के लिए रिपोर्ट दी है, तो अपन देवेंद्र से बात करते हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी, क्या मामला है, आपके साथ मारपीट कौन कर रहा है और कौन पुलिस क्यों नहीं कार्य कर रही है? सर, मैं देवेंद्र कुमार शर्माली लक्ष्मी नारायण शिवनगर बाड़मेर। मेरे पड़ोसी ईश्वर मीणा कुकारा मीणा वो 1 साल से रह रहा है और जब से रह रहा है तभी से मेरे को छोटी मोटी बातों में मेरे को परेशान कर रहा है, झगड़ा करता है, लाठियाँ लेकर आता है, मारपीट करता है। अगले 7 तारीख की बात है, 7 तारीख को रात दिन को 1 बजे एक राय होकर 3 औरतें और ईश्वर मीणा दोनों ने आकर हमारे साथ दोनों को मारपीट की, जो कि मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें सब कैद हुई है। जो भी वारदात हुई है वो सब कैमरा में कैद है, तो भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैंने सदर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसको दर्ज भी नहीं किया। मैंने पुलिस महिला पुलिस थाना में रिपोर्ट कराई, उसका भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एसपी साहब को भी मैंने ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, न पुलिस जवाब दे रहे हैं, बार बार पुलिस का चक्कर काट रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर। अब क्या चाह रहे हो आप? मेरे को जान से मारने का खतरा है और कभी भी मेरे साथ जानलेवा हमला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और किस बात से हो रहा है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अपन कंचन से बात करते हैं, इनकी धर्मपत्नी है। क्या क्या मामला है आपके? क्या करी मारपीट? ब्लाउज में हाथ डाला, ब्लाउज में हाथ डाला, हाँ ब्लाउज कट गया। तो अब आप एसपी साहब से मिले थे? हाँ। तो एसपी साहब ने क्या कहा? कोई कार्रवाई नहीं करे। कार्रवाई नहीं करे ना। तो आज सिद्ध गया था आप? आज मैं गया था पुलिस एसपी साहब से। तो एसपी साहब कहीं क्यों आज? एसपी साहब की भाई करेंगे कार्रवाई करने तो कहो। तो आपने पहले भी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है? हाँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है? ना। चलो साथियों, ये कह रहे हैं कि हमने कई बार मुकदमे दर्ज करवाए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथियों इनके 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 इनके, इनके घर में भी बढ़ रहा है कि पुलिस हमारे पास कुछ नहीं करेगी। हाँ। हमारा इतना पावर है कि आप चाहे जैसे कर लो, पुलिस हमारा कुछ नहीं करने वाली है। तो साथियों ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगी है, उसमें पूरा घटनाक्रम कैद है। आपने सीसीटीवी कैमरे की सीडी बना के नहीं दी है? हाँ, मेरे पास है लेकिन मैंने अभी तक किसी को एसपी साहब को दी नहीं। मैंने दी नहीं। तो आप क्यों नहीं दी आपने? उसमें कैसे दूँ मेरे को मालूम नहीं है, ये मेरे पास है अभी। आपके पास है अभी? मेरे पास इनके मोबाइल में सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुई है घटनाक्रम, वो पूरी कैद है साथियों। तो साथियों एक बार शेयर कर लो ताकि इन ब्राह्मण परिवार को न्याय मिले, और बार बार ये पुलिस थाने के चक्कर भी निकाल रही है, इनकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार शेयर कर लो साथियों।